फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ, ये टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर KCTREC में निकल के आया है। आपका पोस्ट जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर ही है, और उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है MD और PhD, और आपका मेडिकल फिजिक्स ई है, 5 पोस्ट है UR के लिए, वो लेवल 12 है। उसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc फिजिक्स एंड डिप्लोमा रेडियोग्राफी फिजिक्स। मेडिकल साइंटिफिक टी के लिए आपका जो MSc फिजिक्स ये भी चाहिए, उसका पोस्ट है 5। और साइंटिफिक ऑफिसर उसके लिए 2 पोस्ट है, और उसका भी PhD आपका होना चाहिए। और साइंटिफिक ऑफिसर टी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए उसका भी MSc प्लस DMRIT क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एक साइंटिफिक ऑफिसर टी न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 2 पोस्ट हैं, वो भी आपका MSc DMRIT होना चाहिए। और एक साइंटिफिक ऑफिसर है डी, उसका भी MSc केमिस्ट्री होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए MSc प्लस DMRIT होना चाहिए। और साइंटिफिक ऑफिसर सी न्यूक्लियर के लिए आपका 1 पोस्ट है, MSc प्लस DMRIT होना चाहिए। और मेडिकल साइंसिक के लिए, मेडिकल फिजिक्स के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, MSc फिजिक्स होना चाहिए। और साइंटिफिक ऑफिसर सी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए 2 पोस्ट है, वो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन MSc होना चाहिए। नर्स ए फीमेल के लिए आपका 50 पोस्ट है, 50 UR के लिए, 30 ओबीसी के लिए, और 20 SC एंड 8 ST, 2 PWD एंड 8 EWS के लिए है। और उसका क्वालिफिकेशन जो है आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपका। और नर्स ए के लिए आपका 10 पोस्ट UR के लिए, 3 पोस्ट OBC के लिए, 2 पोस्ट SC के लिए, और 1 पोस्ट ST के लिए, और 5 पोस्ट EWS के लिए, वो भी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए GNM। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपका 1 पोस्ट UR, 1 पोस्ट OBC के लिए है, और उसके लिए आपका ग्रेजुएट इन स्ट्रीम होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए भी आपका जो BSc फिजिक्स होना चाहिए, और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन BSc बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी हेमाटोलॉजी के लिए आपका BSc बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका BSc विथ 50% होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी सर्जिकल के लिए आपका BSc बोटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपका BSc प्लस DMRIT होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी रेडियोगोनिसिस के लिए BSc प्लस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका BSc विथ 50% मार्क होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी प्रोग्रामर OBC के लिए आपका BSc IT होना चाहिए। आपका जनरल इंस्ट्रक्शन आपका है, जो रिलैक्सेशन है आपका SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PW के लिए 10 ईयर है। और फीस जो आपका है, फीस आपको 300 रुपये पेमेंट करना होगा। और कुछ देखते हैं, आपको जो आपका ईमेल, आप यहाँ से ये जो है ईमेल एड्रेस, वहाँ मेल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। और देखते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी सही होना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ये PDF आप डाउनलोड करके ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।